press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi guys, this is Krishnakant Singh. This is Shilpa Singh Rajput. Again, welcome back to our channel Krishna Views. तो गाइस आज हम लोग माफ कर दो यार, क्यों सब बोलेंगे ना अभी आप फिर से पठानों की वीडियो लेके आ गए लेकिन नहीं यार अदरवाइज की वीडियो पे तो हम लोग करते ही हैं सारे वीडियो पे लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग ज्यादातर पठान की वीडियो ही करते हैं इसीलिए नहीं ऐसा कुछ नहीं है हमने बलूचिस्तान पे किया है हमने गिलगित बल्तिस्तान पे किया है हमने हम ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग सबको कवर कर पाए जिसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है तो ऑफ कोर्स ये बात है कि पहले उसी को ही लिया जाएगा तो आज आइए अवर वाइंस की वीडियो और अवर वाइंस की वीडियो जैसे अपलोड होती है हम लोगों को नोटिफिकेशन का लाइन लग जाती है मैसेज आते हैं कल रात से बहुत सारे मैसेज आ रहे जब से इनकी वीडियो आई है और क्या है बॉलीवुड डायलॉग्स इन रियल लाइफ बाय अवर वाइंस टेक्स प्रोडक्शन यार ये तो बहुत जबरदस्त वीडियो हो सकती है क्योंकि पठान बॉलीवुड पे कर रहे तुम सोचो वो ढाई किलो का हाथ वाला डायलॉग कोई किसी चीज़ का वो निकाल रहा है कोई कुछ किसी का वॉइस निकाल रहा हो शाहरुख खान अमिताभ बच्चन तो मतलब एक इंटरेस्टिंग होगा यार ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो और हम खुल के एंजॉय कर पाएंगे कि पठान बॉलीवुड को कितना फॉलो करते हैं बॉलीवुड की मूवीज़ देखते तो होंगे ही वैसे लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना हम लोगों को कि आप लोग बॉलीवुड को फॉलो करते हो कि नहीं करते तो वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप भी आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और भी और चैनल को सब्सक्राइब करना तो हियर वी गो 1 2 3 एंड स्टार्ट ये बस नहीं चल सकते अंधे हो क्या ये बस मुझे ऐसा लगता है चलती वलती नहीं इस जगह पे खड़ी रहती है ये सब लोग आगे यही शूटिंग करते हैं किसकी इसकी असीम के भाई जानू कसम से मजाक कर वो देखो आपके साथ एक छोटा सा मजाक का कैमरा लगा हुआ है लेकिन अच्छा था ये मैच कर रहा था वो कौन सी चीज है जो तुझ में नहीं है मैं बेवड़ा हूँ ठरकी हूँ ये तो इसने म्यूजिक लिए भी बनाया है अरे पापा आप अल्लाह मतलब तुम इतना सब कुछ हो अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं हो मार रहा था वो तो संजू बना था ओ हेलो भाई साहब अभी तक काम नहीं किया है तुमने भाई साहब और काम बहुत है ये करके तुम्हारा काम करता हूँ जल्दी करो ना मुंह पे थप्पड़ मारूंगा थप्पड़ मारूंगा डर नहीं लगता साहब प्यार से लगता है प्यार से लेकिन लगता तो खा ले लगता पर दर्द तो होता है ये काम बेचारा भाई भाई वो पेजांग के छोटे भाई ने मुझे मारा कौन हो छोटा सा हाँ छोटा सा मैं हूँ तेरे साथ साथ तो मैं देखता हूँ तू रोक छोटा सा काम है निपटा क्या तो इसको तो आज मैं मूछों के साथ बांध के मैं घसीटता हूँ टाइट कर इसको यार तू तू आ मेरे साथ इसके छोटे से भाई के छोटे भाई बहुत लंबा होगा पता है वो बड़ा होगा और जब ये ढाई किलो का हाथ देखा मैंने बोला था तो फैजान के छोटे भाई तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है बड़ा जो मैं कह रहा था ना बड़ा शैतान है ये घर में अगर शैतानी करे ना तो फिर इसको मारा करे दो ये काला काला हो गया पक्का बहुत अच्छा था यार लेकिन एक ही कंप्लेन है यार बहुत छोटा था यार मजा जब आना स्टार्ट होता है तब खत्म हो जाता है पर मोस्ट पॉपुलर डायलॉग्स कवर कर लिए थे पर यार वो मुझे अच्छा नहीं लगा कि इन्होंने वो वाला डायलॉग कवर नहीं किया क्या कहते हैं उसको वो विद्यमान का डायलॉग है ना एंटरटेनमेंट ऐसे तो बॉलीवुड में लाखों
मजा आता है। पता है ये वीडियो का मतलब भी यही है ना कि बॉलीवुड को तो देखा जाता है, बॉलीवुड को तो एशिया में जब जहाँ पे हिंदी उर्दू बोला जाता है वहाँ तो 100% देखा जाता है, अदरवाइज तो चाइना वाइना में भी आजकल देख रहे हैं वहाँ पे डब करके पहुँच रही है मूवी, तो वही है कि वहाँ पे कितना क्रेज़ है वो इस वीडियो के थ्रू यहाँ पे हम लोग को दिखाई दिया है ना। और क्या है, मेरे को तो मज़ा आ रहा था, मतलब हंसी भी बहुत आ रही थी, ये सब जो थी ना इनकी एक्टिंग और वो क्या बोलते हैं हिंदी ऐसे बोलते हैं ना ये लोग, मतलब एक पठानी वाला थप्पड़ मारूंगा तो मतलब एक अंदर से वो जो निकल के आता है टैक्सी सर, वो अच्छा लगता है देखने में। और इसके अंदर मतलब सही में मेरे को ऐसा लग रहा था शूट भी कर रहा था, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अपने माइंड से कि पक्का गेट खुलेगा और लंबा सा कोई आदमी आएगा, तो वही मतलब जो कॉमेडी थी वो अनदर लेवल की थी और जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ हमेशा की, क्योंकि क्या होता है कि मैं बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ ना तो मेरे को हंसी इतनी आती नहीं है, लेकिन मतलब थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन जब इनकी मस्ती देखता हूँ ना तो मुझे कहीं ना कहीं मैं रिलेट कर पाता हूँ अपने फ्रेंड जोन और इन सबको, जिसमें हम लोग अपने लेवल की मस्ती कर पाते हैं ना उस तरीके का, तभी मैं यहाँ पे देख, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं रियल में हंस रहा था, कोई नाटक नहीं कर रहा था, लोग मुझे गुस्से वाला बोलते हैं तो, लेकिन हंसता हूँ मैं हमारे माइंड की वीडियो में। कहाँ से मिले किसने ली? अरे उनकी जो गर्लफ्रेंड है ना उन्होंने आज ही पोस्ट डाला था कि उनकी शादी है 17 नवंबर को। तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनकी शादी का ब्लॉग भी आ सकता है, वही मैं बोल यही, और ये भी हो सकता है कि अबरवाइंस की वीडियो भी कुछ दिन तक रुक सकती है। हाँ, वही मैं, अगर वो अपनी शादी को दिखाना चाहे दुनिया को तो आएगा ब्लॉग आएगा, लेकिन नहीं दिखाना चाहे तो फिर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सारे बिजी हो जाएंगे फिर शादी वादी में, और लेकिन दिखाएंगे तो हम लोग को ये बात, हम चाहते हैं कि वो दिखाए, अगर वो नहीं सोच रहे हैं ऐसा कुछ करने का तो हम चाहते हैं दिखाए, हम रिएक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर, और हम हमें शादी भी देखने ही मिल जाएगी पठानों की, है ना। हाँ, किस तरीके की शादी होती है वहाँ पे, कैसे रीति रिवाज होते हैं, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि वो लोग हर एक चीज़ कवर करें तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो सही में मज़ा आने वाला है, क्योंकि वहाँ की शादी में तो बहुत कुछ होगा, जैसे उनका डांस हो गया है। हाँ। और जैसा कि हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में ये भी देखा है कि वहाँ पे शादियों में बंदूक वगैरह चलाते हैं, तो अभी भी वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, वो सब चीज़ भी देखने के लिए मिल जाएगा है। हाँ? और लेडीज़ का क्या फंक्शन होता है वहाँ पर, मेरे को तो लग रहा है ज़्यादातर जेंट्स का ही होगा, बाहर बैठने का और गप्पे मारने का, ऐसे वो बोलते ना हुजरा में सारे बैठेंगे ऐसे हुक्का लेके, और वो क्या बोलते हैं, वो निसर्ग बहुत इंटरेस्टिंग होगा, मेरी बहुत क्यूरियोसिटी है मुझे जानने की कैसी होती होगी शादी, यानी कि विदाई कैसे होती है वहाँ पे, निकाह होती है वहाँ पे। वैसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी देखी है, इंडिया में भी मुस्लिम शादी तुमने कभी अटेंड की है? मैंने तो की है, इतनी ज़्यादा मतलब इतना चेंज नहीं होता, लेकिन फिर भी चेंज तो होता है, लेकिन ऐसा लगेगा तुम लोगों की अपने कल्चर की शादी है, मतलब ऐसे एकदम नहीं लगेगा कि फॉरेनर की शादी हो रही है, मतलब ये क्या है ये ऐसे इतनी जल्दी शादी हो गई, ऐसा नहीं है, लेकिन लगता है हमारे ऐसा ही है, पूरा सजाना वजाना और सब कपड़े वैसे पहनते हैं, ड्रेसिंग वैसे होती है उन लोगों की, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, मज़ा भी आता है, निकाह पढ़ा जाता है ना वहाँ पे। हाँ, क्या बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो तुमने पूछा ही नहीं कि लड़की कौन है, लड़की तो वही है ना जो टिकटॉक में हमने देखा था। हाँ वही, उनका नाम क्या बताना? नहीं बताना, महागुर मैं फॉलो नहीं करता, तुम नहीं फॉलो करते। एक्चुअल में हम लोग ने इनको अप्रोच किया है, इंटरव्यू के लिए भी अप्रोच किया है, पर अभी वो नहीं दे पाएंगे ना, शादी में बिजी है, समझा करो। हाँ, मैंने कल इनको मेल किया था कि हम लोग आप लोग का जो ग्रुप है उसका एक इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, और इंटरव्यू में कुछ इसी तरीके का होगा नॉर्मल सा, कि हम लोग कुछ क्वेश्चन खुद रखेंगे, क्योंकि एज ए इंडियन अब ये इंटरव्यू थोड़ा वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा,
कोई पाकिस्तान का ही बंदा अगर इंटरव्यू लेता है तो वो थोड़ा ऐसे रहेगा कैजुअल, हम लोग लेंगे तो थोड़ा एक अच्छा लगेगा आप लोगों को, और हम लोग कुछ क्वेश्चंस वो भी पिक करेंगे जो हमारी ऑडियंस आपसे पूछना चाहेगी, इस तरीके का होगा मतलब। तो अगर आप लोग हमारी वीडियो इस टाइम देख रहे हो तो अगर हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो तो हम लोग इस वीडियो को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं हमने कोलैबोरेशन, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे अभी पठान सब्सक्राइबर हमसे जुड़ चुके हैं जो हमको यहाँ वहाँ फॉलो भी कर रहे हैं, वो लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो थोड़ा न्यू आएगा चैनल पे तो अच्छा भी लगेगा और हमको सामने से इनको जानने के लिए मिल भी जाएगा। अदरवाइज अगर आप लोग बिजी हो तो फिर कोई बात नहीं, फिर अब शादी के बाद इनका भी शादी मतलब पास ही है, बहुत नवंबर में ही है, बहुत पास है। तो ठीक है फिर हम लोग गाइस चलते हैं, और वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने एंड तक देखी कि नहीं देखी, क्योंकि आप लोग हमारी वीडियो एंड तक देखते हो और हमें बताते भी हो कमेंट करके। हमने रिसेंटली जो वीडियो की थी यू खानों वाली, उस पर 90% लोगों ने उस वीडियो को एंड तक देखी थी, जबकि वो वीडियो 30 मिनट की थी, तो इसके लिए मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मेरे को मन करता है पठान के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, लोग बोलते क्यों पठान के ऊपर वीडियो बनाते, इसीलिए करता है मन यार उनको, वो जो हमको इतना प्यार देते तो फिर हम लोग क्यों नहीं है ना। तो गाइस चलते हैं फिर मिलेंगे इस तरह के नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी गाइस।